हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी सूरज भी नहीं निकला है, हो गई है सुबह और बच्चे हो रहे हैं रेडी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खाते हुए सलाम नहीं करते बेटा? अच्छा जल्दी से फिनिश करो, रिक्शा भैया आने वाले होंगे। मोटी होती है तो बेटा विंटर से तो मोटी तो होगी। एक तो मोटा है, ऊपर से हमारे बैग है तब भारी है। आज का सारा सब रेडी है तुम्हारा? और एक तो पैंट इतनी चढ़ गई है, ठंड लग रहा है ना, बहुत ठंड है। कितनी बार सलाम करोगे तुम? वालेकुम अस्सलाम। बार बार सलाम नहीं करते राहिल, बार बार सलाम नहीं करते, खाते हो। अभी तक रिक्शा नहीं आया, आगे रिक्शा। वेयर इज योर बैग? भैया जाओ खाना खा लो। देख लो क्या कह रहा है, कह रहा भैया जाओ हम खाना खा रहे हैं। सुबह सुबह खाना कौन खाता है राहिल? आप। अरे इसका नाश्ता ये देखते हैं। A few moments later. So, अभी बज गए हैं 12:15 और मैं बच्चों को भेज के फिर दोबारा से सो गई थी और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। और आज है जुमा तो देर भी बहुत हो रही है, तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। और ये है मेरा नाश्ता, पोहा ब्रेड और चाय। सो नाश्ता करके फटाफट से आपसे मिलते हैं। और यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट करने लगी थी स्मूदी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि आज स्मूदी बने, तो मैं ये फ्रूट कट कर रही थी। और राहिल को आप देख रहे हैं बार बार आकर के एक न एक ये फ्रूट लेकर के भागा जा रहा था। हमारे सारे सीजनली फ्रूट कट चुके हैं और ये कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रोक लिए हैं, जो कि ताकि हमारी स्मूदी कुछ अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो ये है योगर्ट। यूजुअली लोग रॉ मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं योगर्ट का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि दिस इज जस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन खाने से आपको पता ही होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। जैसे आप लोग को तो पता ही होगा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका यूज़ क्या होता है। सो अभी हम योगर्ट को पहले डाल लेंगे और इसका जार है बहुत ही छोटा, तो मुझे कम से कम 4 या 5 बार बनाना पड़ेगा। और बच्चों का एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल होता है कि हम डेकोरेट करेंगे, तो ये मेरे हेल्पिंग हैंड वो लोग बने और ये सब डेकोरेट कर रहे थे। ये देखिए आवर स्मूदी इज रेडी और अब हम चलते हैं इसको टेस्ट करवाने। पूरा भर के पी लो, थोड़ा पीछे जाओ। डैडी कैसी स्मूदी? मैं अब बात नहीं करूंगा। ग्रेट आउट ऑफ 10 रेट आउट ऑफ 10 आउट नहीं किया, और क्योंकि हम लोगों के वेडिंग में जाना था तो हम लोग उसकी तैयारी करने लगे। फटाफट रेडी हो गए हैं और अभी बज रहे हैं शाम के
5 और हम निकलने वाले हैं, चॉकलेट टॉफी नहीं खाने जा रहे, हम लोग जा रहे हैं वेडिंग में। और मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा आउटफिट लुक। रेडी होने की पहले की क्लिप और पता है किसने ली है? राहिल ने, वो भी मुझे बगैर पूछे। नहीं राहिल हटो, राहिल हटो। सो हेयर इज माई फुल आउटफिट लुक। दिस इज टोटल ब्लू कलर आउटफिट जो कि वेडिंग्स में और विंटर वेडिंग्स में स्पेशली ये सब डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। सो ये भी मैंने अपने दिमाग से बनवाया है, मतलब ये सब मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है और इसका फैब्रिक मैंने लिया था, इसमें भी काफ़ी मेहनत लगी हुई है। सो हियर इज द फाइनल लुक। अभी मैंने आपको अपना फाइनल लुक दिखाया था, बट क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्योंकि लेट हो रहा है इसलिए इनको गुस्सा आ रही है। सो अभी मैंने दूसरा नेकलेस पहना हुआ था, बट मेरी सिस्टर इन्होंने बोला कि वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे दिया कि मैं चेंज कर लूं। सो हाउ, अच्छा एहसान, तो चलिए चलते हैं इससे पहले कि हम लोग लेट लतीफ़ लोग और भी देर में पहुँचे। यहाँ पे राहिल मौके का फायदा उठा रहा है, यहाँ पर भी वो फोन ही मांग रहा है।